नमस्कार दोस्तों, सीतापुर रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे यहाँ होली पर बहुत ही अच्छी अच्छी पकवान बनाई जाती है दोस्तों, और बहुत ही प्रकार के सब्जियाँ पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ होली पर गुजिया भी बनाई जाती है, तो आज वही मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं हम गुजिया। चूल्हे के पास हम आ चुके हैं, तो गुजिया बनाने के लिए मैंने जो जो सामग्री ले रखी है मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 3 किलो मैदा लिया हुआ है, और यहाँ पे 3 किलो रिफाइन ली है, 4 पैकेट सेवई ली है दोस्तों। तो सेवई हमने कुछ ज़्यादा ही लिया हुआ है, क्योंकि गुजिया में जो है सेवई डालने से उसका स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमने 5 किलो चीनी लिया है दोस्तों, तो चीनी हमने ज़्यादा लिया हुआ है, तो चीनी का हम थोड़ा सा चाशनी बनाएंगे। तो मैं आपको 2 प्रकार की गुजिया बनाना बताऊंगी, और एक तो बगैर चाशनी के और एक चाशनी वाली। तो यहाँ पे हमने 1 किलो सूजी ली हुई है, 5-6 पैकेट हमने पार्ले जी बिस्किट लिया हुआ है, यहाँ पे 1 पाव नारियल लिया हुआ है, ये गोला था तो मैंने इसे थोड़ा बड़े में काट लिया हुआ है, छोटी इलायची ली है, सौंठ पाउडर लिया है, काजू लिया है, और यहाँ पे दोस्तों बीज लिया है हमने खरबूजे वाला, और थोड़ा सा किशमिश लिया है, और यहाँ पे 1 पाव छोहाड़ा लिया हुआ है, और यहाँ पे घर का बना हुआ हमने खोया लिया हुआ है दोस्तों। तो खोया लगभग हमारा 3 किलो तक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं गुजिया। बनाने के लिए हम सूजी को भूनेंगे, तो सूजी को भूनने के लिए हमने चूल्हे में आग को जला लिया है। अब हम रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। तो लगभग 100 ग्राम तक हमने रिफाइंड तेल डाला हुआ है, तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। रिफाइंड तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे हम सूजी। तो सूजी को हम चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो सूजी को हमें उतना ही भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, उतना ही हम इसे भूनेंगे। सूजी को हमने अच्छी तरह से भून लिया हुआ है, तो इसे अब हम नीचे उतार देंगे। सूजी को हमने भून लिया है, तो अब हम भूनेंगे सेवई को। तो थोड़ा सी रिफाइंड तेल हम और डाल देंगे। तो अब हम रिफाइंड को थोड़ा गर्म होने देंगे। रिफाइंड तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम सेवइयों को भून लेते हैं। तो दोस्तों ये सेवई पहले से ही भुनी हुई है, तो थोड़ा हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा ही भूनेंगे। सेवई को हमने अच्छी तरह से भून लिया है दोस्तों, इसे भी हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों सेवई को हमने भून लिया हुआ है, यहाँ पे हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो अब हम चीनी को गलाने के लिए कढ़ाई में चीनी को डालेंगे। तो चीनी हमने 5 किलो ली है दोस्तों, तो 5 किलो में से हम 2 किलो चीनी को डालेंगे कढ़ाई में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 किलो चीनी इधर रख लिया हुआ है, और कढ़ाई में हमने 2 किलो चीनी डाल दिया है। तो बाकी के चीनी को हम रख देंगे बाद में चाशनी बनाने के लिए। तो अब हम डालेंगे चीनी में पानी। तो 2 किलो चीनी में दोस्तों हमें 1 लीटर पानी लगभग डालना है। तो पानी हमने डाल दिया है। तो पानी हमने कम इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि इसे इसकी हमें मोटी चाशनी बनानी है। तो अगर आपको इस तरह चाशनी नहीं बनानी है, अगर आपको चीनी पीस कर डालनी है, तो आप पीस कर भी चीनी गुजिया में डाल सकते हैं। तो हम इस तरह डाल रहे हैं, तो आप भी इस तरह जरूर ट्राई एक बार जरूर करें। तो चीनी को हम अच्छी तरह से यहाँ पे पिघला लेंगे। इस तरह से चीनी पिघलाने से दोस्तों गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है, उसका जो अंदर का मसाला होता है बहुत ही मुलायम हो जाता है। तो इसी तरह हम चीनी को अच्छी तरह से गलाकर मोटी चाशनी तैयार करेंगे। तो जब तक दोस्तों हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। जो हमने काजू लिया है इसे भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, इलायची का हम पाउडर कर लेंगे, और छुहाड़े को भी हम बारीक काट लेंगे दोस्तों। चाशनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें पूरे झाग भरे आए हैं। तो चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही मोटी चाशनी हमने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये कितने आसान तरीके से धीरे धीरे टपक रहे हैं,
और लंबी तार बन रही है इसमें, तो इसी तरह की हमें चाशनी बनानी है। चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो नीचे उतार कर हम इसे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। जब तक हमारी चाशनी ठंडी हो रही है तब तक हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े परात में सूजी को डाल लिया हुआ है, तो अब इसमें हम डालेंगे सेवई को। तो सेवई को भी हमने डाल लिया है दोस्तों। अब हम डालेंगे छुहाड़े को। छुहाड़े को मैंने बारीक पाउडर कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने चाकू से नहीं काटा है, इसे मैंने मिक्सर जार में थोड़ा दरदरा पाउडर कर लिया है, तो इसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम डालेंगे कटे हुए नारियल, कटे हुए काजू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सोट पाउडर लिया है दोस्तों, तो इसमें से आधा सोट पाउडर हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधा सोट पाउडर मैंने बचा लिया है। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम डालेंगे किशमिश और यहाँ पे खरबूजे का बीज जो हमने लिया हुआ था, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, अब हम डालेंगे खोया। तो यहाँ पे हमने घर का खोया बनाया है, वही खोया हमने लिया हुआ है, इसी में हम इसे डाल देंगे। तो खोए को हमने डाल दिया है दोस्तों, अब इसे भी हम हाथों से इस तरह मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे खोए को, ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग से इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने जो पार्ले बिस्किट लिया हुआ है इसका भी हम अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे और इसी में मिला देंगे। यहाँ पे हमने पार्ले बिस्किट का पाउडर बना लिया है, तो इसे भी हम गुजिया की स्टफिंग में डाल देंगे। तो पार्ले बिस्किट डालने से गुजिया की स्टफिंग बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों, इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है, एकदम मिठाई की तरह लगने लगता है, तो इसे भी हम इसी में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे चाशनी। तो चाशनी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी हमारी बहुत ही गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है, तो यही चाशनी हम इसमें डालेंगे। तो धीरे धीरे हम इसमें चाशनी को डालते जाएंगे। चाशनी को हमने स्टफिंग में डाल दिया है, तो इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी सामग्री अच्छी तरह से मिला लिया है दोस्तों, तो स्टफिंग हमारी ढेर सारी बनकर तैयार हुई है, तो ढेर सारी गुजिया हमारी बनेगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो स्टफिंग को हम एक तरफ इस तरह से इकट्ठा कर रख देते हैं, तब तक हम मैदे को गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया हुआ है एक बड़े परात में, तो थोड़ा सा मैदा हम निकाल लेंगे। तो मैदे को हमने निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल। तो लगभग 200 ग्राम तक हमने इसमें रिफाइंड तेल डाला हुआ है, तो रिफाइंड तेल को हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। तो आप चाहे तो इसके जगह पे देसी घी भी डाल सकते हैं, तो मैंने रिफाइंड तेल डाला हुआ है, तो इन सभी रिफाइंड तेल को हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से मिला लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी मुट्ठी बन रही है। तो मोयन हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है गुजिया बनने के लिए। तो अब हम पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। तो पानी हम गुनगुना नहीं लिए हुए हैं दोस्तों, हम सादा पानी ठंडा पानी लिया हुआ है मैंने, तो इसे हम गूंथ लेते हैं।
मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया हुआ है, तो इसे हम ढककर रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने चूल्हे में आग को फिर से जला लिया है, तो इस पर रखेंगे हम पतीला। पतीला रखने के बाद दोस्तों जो चीनी हमारी बची हुई थी पहले वाली 3 किलो, तो वही हम इसमें डालेंगे। तो चीनी को हमने डाल दिया है, तो अब हम डालेंगे पानी। तो 3 किलो चीनी में दोस्तों हमें 4 लीटर पानी डालना है। तो 4 लीटर पानी हमने डाल दिया हुआ है, चाशनी को हम उबलने देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 प्रकार की गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। तो एक गुजिया हम सिरे वाली बनाएंगे दोस्तों, और एक गुजिया जो है सिंपल बनाएंगे हम। सिरे वाली गुजिया हम बनाने के लिए ही चाशनी को पिघला रहे हैं, तो चाशनी को हम अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तो जब तक हमारी चाशनी उबल रही है, तब तक हम गुजिया को भरकर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैदे को हम खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैदा हमारा बहुत ही अच्छा नर्म सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लेंगे चकई गुजिया बनाने के लिए। तो ये किलोई हमने ले ली है, अब हम चकले पर रखकर इसकी चकई बनाएंगे। तो चकई को हमने बना लिया हुआ है, अब हम सूखे मैदे में इसे घुमा लेंगे और एक अच्छी सी रोटी हम इसका बना लेंगे। तो रोटी को हमने बना लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया है एक गुझा कटनी जो कि प्लास्टिक का है, तो इसी पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया हुआ है, अब हम डालेंगे स्टफिंग। तो एक चम्मच हमने स्टफिंग ली है, तो स्टफिंग को हमने रख दिया है। तो एक चम्मच स्टफिंग हमने इसमें डाली हुई है, तो अब किनारों पे हम लगा देंगे पानी। पानी लगाने से जो है गुजिया हमारी फटेगी नहीं, तो पानी हम अच्छी तरह से लगाएंगे। तो अब हम इसको हम इस तरह मोड़ देंगे, मोड़कर हम हाथों से इस तरह प्रेशर करेंगे। तो आप देख सकते हैं गुजिया हमारी इस तरह, हम बची हुई जो रोटियां हैं इसे हम इस तरह काट देंगे। तो आप देख सकते हैं गुजिया हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है। तो इसे हम एक बर्तन में रख देते हैं, और लोई हम काट लेते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो चाशनी हमारी उबल कर तैयार हो चुकी है दोस्तों, तो लगभग ये तैयार हो चुकी है। तो इसे हम चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। तो दोस्तों चाशनी को हमने नीचे उतार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने गुजिया बना लिया है। आप देख सकते हैं गुजिया हमने काफी भरकर तैयार कर लिया है। तो अब हम गुजिया को तल लेते हैं। तलने के लिए हमने चूल्हे में आग को जला लिया है, अब हम रखेंगे कढ़ाई को, और कढ़ाई में डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो दोस्तों तेल हम 2 किलो डालेंगे। रिफाइंड तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे गुजिया जिसे मैंने बनाकर रखा हुआ था। तो गुजिया को हमने गरम तेल में डाल दिया है दोस्तों, अब इसे हम थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे, तब इसको हम पलटेंगे। तो धीमी आंच में हमने गुजिया को डाला हुआ है। तो दोस्तों एक तरफ गुजिया हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है, तो हम दूसरी तरफ इसे पलट देते हैं। तो जिस तरह दोस्तों आज मैंने आपको गुजिया बनाकर बताया है, तो जिस तरह दोस्तों मैंने आज गुजिया आपको बनाना बताया है, इस तरह जरूर ट्राई करें बनाकर, आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। एक बार ज़रूर इस तरह बनाकर ट्राई करें। तो सभी गुजियों को हमने पलट लिया हुआ है, तो दूसरी तरफ भी गुजिया हमारी अच्छी तरह से सीख जाए, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे अच्छी तरह से। तो गुजिया को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो गुजिया को हमने तेल से बाहर निकाल लिया है, तो इसी तरह हम और गुजियों को तल लेते हैं। दूसरी बार की भी गुजिया हमारी तलकर अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है दोस्तों, इसे अभी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं।
तो इसी तरह दोस्तों हम सारी गुजियों को तलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो गुजिया तली हुई थी तो इस गुजिया को हम सिरे में डालेंगे। सिरे वाली गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों। तो आधी गुजिया दोस्तों हम सिरे में डालेंगे, आधी गुजिया हम इसी तरह सिंपल रखेंगे। तो सिरे में हमने गुजिये को डाल दिया हुआ है, इसे हम थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसमें सिरा अच्छे से घुस जाए। तब तक हम इसे ढककर रख देते हैं। इधर हमारी ये भी गुजिया इसी तरह से तल चुकी है दोस्तों, इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम सभी गुजियों को तल कर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारी गुजियों को तलकर तैयार कर लिया हुआ है। तो जो गुजिया हमने सिरे में डाली हुई थी उसे हम सिरे से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए गुजिया में सिरा बहुत ही अच्छी तरह से घुस गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे हम एक बर्तन में रख देते हैं। दोस्तों सिरे वाली गुजिया बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एकदम मिठाई की तरह आती है। एक बार इस तरह बनाकर जरूर ट्राई करें और सिंपल वाली भी गुजिया बनाएं, त्यौहार का मज़ा दुगना हो जाता है। इसे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पसंद करके खाते हैं। दोस्तों होली स्पेशल गुजिया हमारी बनकर तैयार है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे वीडियो में रेसिपी का सबसे नमस्कार।